वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें आपको देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात हो रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग पर वहां पर पूरा रास्ता जो है वो बीआरओ की ओर से बना दिया गया है। बहुत लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ऊपर से अगर ड्रिलिंग होती है करीब करीब, वो जो पॉइंट वहां पर तय किया गया है 83 मीटर का, वो पॉइंट है जहां से ड्रिलिंग होनी है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीच में किस तरह के पत्थर आते हैं। आप समझिए यहाँ 10 मीटर तय नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं। 168 यहाँ से ऊपर से 82 से 86 मीटर, आप समझिए ना कितना ज्यादा वक्त लगेगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली खबरें ये हैं कि अंदर जो मजदूर हैं वो अब थोड़े परेशान हो रहे हैं। जब कुछ परिजनों ने उनसे बात की, देखिए वो इतने परेशान थे परिजन, हमने उनसे बात करने के जब प्रयास किए तो वो इतने नाराज थे कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी नाराजगी गुस्से से जाहिर कर दी। उत्तर काशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से बाधा आने से अंदर फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार और बढ़ गया है। दरअसल 12 नवंबर को निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा धंसने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे जो अब तक फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हो रही हैं। अब सुरंग में खुदाई के दौरान ऑगर ड्रिलिंग मशीन के आगे लोहे का अवरोध आने से ड्रिलिंग मशीन लक्ष्य से 9 मीटर पहले ही रुक गए, जिसके चलते एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। अब मजदूरों के टनल से बाहर आने में लंबा वक्त लग सकता है। ऑगर मशीन फंसी हुई है, उसे बाहर निकालने में घंटों लग सकते हैं। 14 दिन भी यहाँ पर हो गए हैं, अभी आप मान लीजिए बहुत घंटों का समय यहाँ पर लग सकता है ऑगर को बाहर निकालने में। वो ऑगर जो बाहर निकालने में मुश्किल से 2 घंटे का वक्त लेती है। आपको हमने बताया था सरिये जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, सरियों को गैस कटर के माध्यम से काट दिया गया था, लेकिन अब उन्हीं सरियों में जो ऑगर मशीन है वो अंदर जाकर फंस गई और ऐसी फंसी है कि उसको बाहर खींचा नहीं जा पा रहा है। मुश्किल हो गया है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो आप मानिए कि ये वाला जो तरीका है वो काम नहीं आ पाएगा, कारगर ही नहीं साबित होगा। और इसी वजह से प्लान बी पर अब काम किया जा रहा है। कोई याद होगा अलग अलग प्लान यहाँ पर बनाए गए थे। वर्टिकल ड्रिलिंग की तस्वीरें आपको देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात हो रही थी, वर्टिकल ड्रिलिंग पर वहां पर पूरा रास्ता जो है वो बीआरओ की ओर से बना दिया गया है। अब ONGC और SGVN ने पूरी तैयारी कर ली, उनकी टीम यहाँ पर स्टैंड बाय पर है, मशीन यहाँ पर तैयार कर ली गई है और किसी भी वक्त उस मशीन की मूवमेंट होगी। बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो भी मैंने साझा की है, जल्दी हम अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप उस मशीनरी को देख पाएंगे जो कुछ ही देर में वर्टिकल, ये जो पूरा रास्ता है वहां पर पहुंचती हुई नजर आएगी और कुछ ही वक्त में जो ड्रिलिंग है वो वहां पर शुरू की जाएगी। लंबा वक्त, अगर ये ऑगर बाहर नहीं निकल पाती है, अगर यहाँ नीचे मैन्युअली काम नहीं शुरू होता है तो अब और लंबा इंतजार है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, बहुत लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ऊपर से अगर ड्रिलिंग होती है करीब करीब, वो जो पॉइंट वहां पर तय किया गया है 83 मीटर का, वो पॉइंट है जहां से ड्रिलिंग होनी है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीच में किस तरह के पत्थर आते हैं। अगर पत्थर इस तरह से बहुत मुश्किलों भरे आते हैं तो उसको ड्रिल करना मुश्किल होगा। ODX मेथड जरूर है, ODX मेथड है जिससे ये पता चल जाएगा कितना हार्ड रॉक वहां पर है। लेकिन अब हमने कल भी देखा था, यूं तो रडार ने अंदर जाके ये चेक किया था कि 5-5.5 मीटर में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया प्रीति, ऐसा हो ही नहीं पाया। अब ये सवाल देखिए, हम कितने खुश थे, ऑफिशियल्स कितने खुश थे, और बार बार ये भी कहा जा रहा था कि ये पहाड़ है मुश्किल हो सकते हैं, और वो मुश्किलें देखिए सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब वो मजदूर जो अंदर मौजूद हैं, उनके परिजन, पूरा देश, उनका इंतजार लंबा खिंचने वाला है प्रीति, क्योंकि अभी मौजूदा हालात कम से कम इसी ओर इशारा करते हैं। अगर टीम के पास, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के पास कोई अलग ही विकल्प यहां पर निकला है तो अलग बात है, उसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं, अलग विकल्पों को लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबकी नजर वर्टिकल ड्रिलिंग पर टिकी हुई है। अगर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होती है उसमें भी अभी समय लगेगा। मशीन की तस्वीरें जैसे ही देखिए प्रीति यहां पर आएंगी, जब वो मूव करेगी वो हम सबसे पहले दिखाएंगे। और अभी मशीन किस तरह से खड़ी हुई है, कैसे उसका इस्तेमाल होना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी अब से कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को, जो रिपोर्ट साझा मैंने की है उसके माध्यम से हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही विकल्प यहां पर समझ में आता है बड़कोट साइड से, बड़कोट जो इस टनल का दूसरा छोर है प्रीति, सिलकियारा से ये टनल शुरू होती है, बड़कोट पर जाकर खत्म होती है, 4.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। वहां पर कई ब्लास्ट करके काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर आप मान लीजिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू होती है तो उसमें भी कम से कम, जो यहां पर ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं 4-5 दिनों का वक्त है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल पहाड़ है ये।
अब वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साइड ड्रिलिंग की जानी है। बता दें कि इस स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना से लेकर विदेशी एक्सपर्ट जुटे हुए हैं। टनल में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब देने लगा है, वो परेशान हो रहे हैं। एक स्पॉट पर एक जगह पर ले जाकर मशीन को रखा गया है। अभी देखिए बैठकों का दौर यहाँ पर जारी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ में जो साइड ड्रिलिंग यानी कि टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहाँ पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। शुरुआत देखिए जब फाइव वे एक्शन प्लान जो यहाँ पर लाया गया था शुरुआत उसी दौरान थोड़ी की गई थी, लेकिन जब ये लगा था कि ये प्लान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो उस काम को थोड़ा रोका गया था। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों तरफ से ये काम जो है अभी शायद तेजी से चलाया जाए ऑगर, क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए कई घंटों का वक्त ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगेगा, स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी उसको कट करके बाहर निकालने में, और उसके बाद मैन्युअली ड्रिलिंग होनी है। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्टिकल ड्रिलिंग टाइम टेकिंग नहीं है। वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होगी 82 से 86 मीटर का फासला ऊपर से नीचे पहुंचने का, उसमें भी समस्या होंगी। स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर हमें और बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा माउंटेन है वहां पर मिट्टी है लेकिन पत्थर भी मौजूद है, मुश्किल ये माउंटेन है। यहाँ स्पेशलिस्ट जो लगातार बने हुए वो हमें यही बता रहे हैं कि माउंटेन ये पहाड़ आपके सामने कौन सी नई चुनौती कब लाकर खड़ी कर दे आपको नहीं पता है, और इसी वजह से ये फाइव एक्शन प्लान तैयार किए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि मैं इस तरफ देखिए मेरी दाई तरफ ये जो है यहाँ पर भी अब जो ड्रिलिंग है वो भी सूत्र बताते हैं कि वो शुरू की जाएगी, और वहां का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं करीब करीब 168 मीटर का वो रास्ता है जो तय करना होगा। आप समझिए यहाँ 10 मीटर तय नहीं हो पा रहा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में, क्योंकि इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं। 168 यहाँ से ऊपर से 82 से 86 मीटर, आप समझिए ना कितना ज्यादा वक्त लगेगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली खबरें ये हैं कि अंदर जो मजदूर हैं वो अब थोड़े परेशान हो रहे हैं। जब कुछ परिजनों ने उनसे बात की, देखिए वो इतने परेशान थे परिजन, हमने उनसे बात करने के जब प्रयास किए तो वो इतने नाराज थे कि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी नाराजगी गुस्से से जाहिर कर दी, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बात नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम पहले ही इतनी ज्यादा दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, हम आपसे क्या बात करें। वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो इतने परेशान हो गए हैं। अंदर जो वहां पर एक दो लोगों से बात हुई, ये बताया गया उन्हीं की ओर से कि एक यहाँ पर बिहार के बांका से एक महिला है, उनके पति अंदर फंसे जिन्होंने खाना नहीं खाया है। फिलहाल टनल में फंसे मजदूरों को बाहर आने में और उनके परिजनों को कुछ और इंतजार करना होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।